यहाँ पर ये चारों तरफ वैक्स भरी हुई होती है, इस तरह से जो है ये वाल खुलता और बंद होता रहता है ज़रूरत के मुताबिक। खुलना शुरू हो गया, कितना खुल गया है वाल? इस तरह से जो है ये थर्मोस्टेट वाल जो है खुलता रहता है, टेम्परेचर कुछ इसका नॉर्मल होगा तो ये जो है फिर बंद होना शुरू हो जाएगा थर्मोस्टेट वाल। देखिए अभी ये बंद हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वर्कशॉप। में फरोग गार्ड से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि थर्मोस्टेट वाल्व कितने तरह के होते हैं और ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है कि इंजन के गर्म होने पर जो है ये ऑटोमेटिक जो है खुल जाता है और जब इंजन हमारा कूल होता है, टेम्परेचर नॉर्मल आता है कंडीशन में, तो ये जो है क्लोज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोस्टेट वाल्व जो होते हैं वो तीन तरह के थर्मोस्टेट वाल्व होते हैं। नंबर एक होता है बेलोस टाइप थर्मोस्टेट वाल्व, और दूसरा होता है वैक्स पैलेट थर्मोस्टेट वाल्व, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल थर्मोस्टेट वाल्व, जो कि इंजन के ECM द्वारा कंट्रोल होता है। इंजन का जो टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो खुलता और बंद होता है, जितने टेम्परेचर पर उसको जो है सेट किया जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले बेलोस टाइप थर्मोस्टेट वाल्व की, कि ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो कौन सी कार्स में आता था और ये कैसा होता था। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो 19 के दशक में जो फ्लैट हेड वाले फोर्ड वगैरह के जो इंजन होते थे उनमें ज्यादातर आता था। ये बेलोस टाइप थर्मोस्टेट वाल्व के अंदर पॉलीटाइल लिक्विड होता था जो कि हीट के टच में आने से जो वेपोरेट होता था, और जो हीट जो है जब उसके अंदर बढ़ती थी तो जो फैलना शुरू हो जाता था, यानी खुल जाता था, और जब टेम्परेचर जो नॉर्मल आता था तो क्लोज हो जाता था वो लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता था। दूसरा जो होता है वो होता है वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट वाल्व, जो ज्यादातर मोस्टली कार्स में है। इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी की कार्स जो है मर्सिडीज BM वगैरह उनमें ज्यादा आता है, लेकिन अपने जो नॉर्मल इंडिया में कार्स है महिंद्रा टोयोटा टाटा हुंडई वगैरह उसमें जो है वैक्स पैलेट टाइप का थर्मोस्टेट वाल्व जो है यही ज्यादातर आता है। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये सिलेंडर होता है, ये दिख रहा होगा आपको ये येलो कलर का, इसके अंदर जो है वैक्स भरी होती है। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर जो है एक रबर होती है, वैक्स भरी होती है, वैक्स में एक रबर लगी होती है, रबर के अंदर जो है ये पिस्टन होती है, रॉड होती है। जब उसके अंदर जो है प्रेशर क्रिएट होता है तो वो क्या करता है कि उसको जो है रबर को ऊपर धक्का देता है। अब रबर तो ऊपर जाने से रही, क्योंकि ये जो ऊपर होता है ये यहाँ पर लॉक हुई होती है पिन, तो जब उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा तो ये पूरा सिलेंडर जो है ये नीचे स्प्रिंग को लेकर के जो है नीचे दबना शुरू हो जाता है। अब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा कार का उसके हिसाब से ये इसमें प्रेशर जो है क्रिएट होता रहता है, ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा खुलेगा, कम होगा तो कम खुलेगा, इसका ये मैकेनिज्म होता है। अब मैंने क्या किया है कि एक जो है आपके लिए ये आपने जो ये पिक्चर में देखा है अभी तक, ये फोटो में आप देखा है, मैंने आपके लिए आपको बेहतर तरीके से समझ में आए इसके लिए मैंने जो है ये काट के रखा है थर्मोस्टेट वाल्व बिल्कुल बीच से। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आए इसलिए जो है मैंने एक थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बीच से कट करके रख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पूरा जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो इस तरह की उसकी शक्ल होती है, कम्प्लीट ये ठीक है, इस तरह का थर्मोस्टेट वाल्व है। थर्मोस्टेट वाल्व में क्या होता है, ये इसका फ्रेम होता है इस तरह का, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये इस तरह का फ्रेम है इसका कंप्लीट। अब इसमें क्या होता है, फ्रेम में ये लगा होता है स्प्रिंग यहाँ पर, ठीक है, और इसमें लगा होता है ये चार सिलेंडर, और चार सिलेंडर के ऊपर ये जो है वॉल्व ये होता है, इसमें रबर होती है, रबर इसकी निकल गई, ये इस तरह से लगा होता है कुछ ऐसे, इसकी कुछ ऐसे शक्ल बनेगी जब ये कंप्लीट होगा। तो अब इसका जो मेन पार्ट है वो होता है ये चार्ज सिलेंडर। इस चार्ज सिलेंडर में क्या होता है, इस चार्ज सिलेंडर में जो है ये वैक्स भरी होती है चारों तरफ, इसके ये यहाँ पर ये चारों तरफ वैक्स भरी हुई होती है, मटेरियल होता है वैक्स, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है और ये गर्म होता है इसका सिलेंडर तो वैक्स जो है पिघलना शुरू हो जाती है, जब वैक्स पिघलती है तो उसमें जो है प्रेशर बनता है, जब प्रेशर बनता है तो क्या है कि ये जो रबर है इसको दबाना शुरू कर देता है, रबर जो है नीचे से दबनी शुरू हो जाती है। जब रबर दबेगी तो फोर्स जो है इस पर लगेगी रॉड पर, अब रॉड पर फोर्स लगेगी तो रॉड जो है इस तरह से बाहर की तरफ जो है निकलना शुरू हो जाएगी। अब रॉड तो बाहर निकलती नहीं है क्योंकि इस तरह से जो है ये फ्रेम में ऊपर टच हुई होती है, रॉड बाहर नहीं निकली क्योंकि वो फ्रेम में टच हुई होती है, तो क्या होता है कि सिलेंडर जो है वो नीचे इस तरह से आना
शुरू हो जाता है इस तरह से। अब सिलेंडर के ऊपर जो है ये लगा होता है वॉल्व, ठीक है, ये रॉड इसके अंदर है, तो ये वॉल्व जो है इस तरह से जो है ये खुलना शुरू हो जाता है इस तरह से खुलना शुरू हो जाता है। ये पिन यहाँ पर लॉक है जो इसकी पिस्टन है, जब प्रेशर बनेगा तो स्प्रिंग को दबाकर जो है ये सिलेंडर इस तरह से नीचे आएगा। अब जितना ज़्यादा गर्म होगा, जितनी हीट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर प्रेशर बनेगा। अगर मान लो कम हीट है तो इतना प्रेशर बनेगा, इतनी रबर को दबाएगा, इतनी पिस्टन ऊपर जाएगी, और ज़्यादा होगी तो फिर ये ज़्यादा खुलेगा इस तरह से। ये स्प्रिंग को दबाता हुआ इस तरह से, ये स्प्रिंग होता है इसके अंदर, ये यहाँ पर लगा होता है सिलेंडर ऐसे, इसके ऊपर ये होता है, इसमें रबर लगी होती है। अब जितना प्रेशर इसके अंदर बनता है तो ये जो है नीचे दबना शुरू हो जाता है, ये इसका मैकेनिज्म है। तो इसकी जो मेन चीज़ होती है वो ये होता है, ये चार्ज सिलेंडर, ये इस तरह का ये पूरा सिस्टम होता है। ये जब ये गर्म होगा तो इसको जो है फोर्स इस पर लगाएगा, और जो है ये फोर्स जब इस पर लगेगी तो पिन जो है इस फ्रेम में जो है टच होती है, ऊपर तो पिन जा नहीं सकती, तो क्या नीचे जाएगा, ये पूरा सिलेंडर जो है इस तरह से नीचे आएगा। सिलेंडर नीचे आएगा तो ये वॉल्व जो है खुलता और बंद होता रहता है कुछ इस तरह से जो है ये वॉल्व खुलता और बंद होता रहता है ज़रूरत के मुताबिक। जितना गर्म होगा सिलेंडर में, जितना जो है टेम्परेचर होगा, जितना प्रेशर क्रिएट होगा उसके हिसाब से खुलता और बंद होता रहता है। कम है तो इतना खुलेगा, ज़्यादा हीट हो रही कार तो पूरा खुल जाएगा इस तरह से। ये इसकी जो है मैकेनिज्म। जब ये हीट के टच में आएगा इस तरह से तो इसका जो है चार्ज सिलेंडर जब हीट अप होगा तो उसकी वैक्स जो है वो पिघलने शुरू हो जाएगी, और वैक्स जब पिघलेगी उसके सिलेंडर के अंदर की तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, और जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वो जो है ना थर्मोस्टेट वाल्व ऑटोमेटिकली जो है ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से ओपन होना शुरू होगा वो थर्मोस्टेट वाल्व। इसका जो सिलेंडर गर्म होना शुरू हो रहा है ये देखिए, अब सिलेंडर इसका जो है गर्म हुआ तो ये देखिए गैप इसका बढ़ने लगा, ये जो है खुलने लगा, ये देखिए जितनी ज़्यादा इसको हीट मिलेगी, जितना गर्म होगा ये इंजन, ये देखिए खुलना शुरू हो गया। कितना खुल गया वाल्व, इस तरह से जो है ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है खुलता रहता है, और जब पानी जो है ठंडा पानी जो है इस पर आकर लगता है, जब रेडिएटर में जो है कूल हो जाता है तो उसके बाद जो है ये बंद होना शुरू हो जाता है। जब इस पर पानी लगेगा ठंडा, ठीक है, टेम्परेचर कुछ इसका नॉर्मल होगा तो ये जो है प्रेशर जो है देखिए फिर बंद होना शुरू हो जाएगा थर्मोस्टेट वाल्व। देखिए अभी ये बंद हो गया, तो इस तरह का इसका मैकेनिज्म होता है थर्मोस्टेट वाल्व का, अभी ये बंद हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस कार और इंजन से रिलेटेड आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।